आप सभी को विभव देव शुक्ला का सादर प्रणाम। आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। ये कोई जज्बाती दलील नहीं है, बल्कि एक सवाल है। ऐसा सवाल जिसका जवाब भी है, तथ्यात्मक जवाब। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान कितना पुराना है? लगभग 74 साल पुराना। अब फर्ज करिए, पाकिस्तान के एक मुलाजिम महोदय आए और कहें कि एंशियंट पाकिस्तान जैसा कुछ था लगभग 2700 साल पहले, और वहां तक्षशिला थी। बात कुछ ऐसी है कि ट्विटर पर एक हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, एंशियंट पाकिस्तान। ऊपर बताई गई कहानी ही इस हैशटैग के ट्रेंड से पैदा हुई। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। खुद ही सोचिए, पाकिस्तान में एंशियंट क्या हो सकता है, या पाकिस्तान ही कितना एंशियंट हो सकता है? इस सवाल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं मामले की तरफ। कमर अब्बास खोखर बांग्लादेश में पाकिस्तानी राजनयिक, इसके पहले रूस, अमेरिका और वियतनाम में भी रह चुके हैं। खुद को फैमिली मैन भी बताते हैं और खाली समय में किसान, इब्न बतूता और किताब पसंद भी बन जाते हैं। ऐसा हमें कहीं से पता नहीं चला, बल्कि उनके ट्विटर बायो में लिखा है। उन्होंने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर साझा की। यहाँ तक सब कुछ सही था, लेकिन तस्वीर के साथ जो कैप्शन था वो कतई जहर था। कैप्शन अंग्रेजी में था, लेकिन हिंदी में उसका मजमून ये था, तक्षशिला विश्वविद्यालय का हवाई और पुनर्निर्मित नज़ारा, जो प्राचीन काल के पाकिस्तान में 2700 साल पहले मौजूद था, वो जगह आज इस्लामाबाद के पास है। यहाँ 16 देशों के लगभग 10,500 छात्रों को पाणिनी जैसे शिक्षकों ने 64 से ज़्यादा पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी। कमर अब्बास इतने पर ही नहीं माने, उन्होंने 2 मिनट 20 सेकंड का वीडियो भी साझा किया। इसके कैप्शन में वो लिखते हैं, प्यारे पड़ोसियों, ये रही एंशियंट पाकिस्तान के बारे में थोड़ी और जानकारी। इसके बाद एक और वीडियो साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि मेरे खूब पढ़े लिखे पड़ोसियों को थोड़ी और जानकारी। कमर अब्बास पूरे मूड में थे। इसके बाद उन्होंने कुछ और ट्वीट किए, जिसमें उन्होंने कौटिल्य और पाणिनी को एंशियंट पाकिस्तान के मिट्टी का बेटा बता दिया। आखिर में एक और ट्वीट था। ट्वीट में 1943 की एक तस्वीर थी और जगह बताई गई नई दिल्ली। तस्वीर में मौजूद थे जिन्ना और पीछे एक बैनर था जिसमें लिखा था, पाकिस्तान सदियों से था। ऐसी बात कहने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल किया जाए और उस पर हलचल ना हो, ये तो नामुमकिन है। एक यूज़र ने लिखा, 14 अगस्त 1947 के पहले कोई पाकिस्तान नहीं था। आर्यावर्त था, जम्बूद्वीप था, भारत था, हिंद और इंडिया था, सब था, लेकिन पाकिस्तान नहीं था। एक यूज़र ने तो भरपूर मौज ली। उसने अपनी माँ के पासपोर्ट की तस्वीर साझा की और लिखा, लोल, ये मेरी माँ का पासपोर्ट है, जिनका जन्म 1943 में हुआ, अविभाजित भारत में हुआ। मेरी माँ तुम्हारी एंशियंट कंट्री से भी बड़ी है। तीसरे यूज़र ने कुछ ज़्यादा नहीं लिखा, सिर्फ एक तस्वीर शेयर कर दी। यानी कोई आपके सामने एंशियंट पाकिस्तान के बारे में कहे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? चौथे यूज़र ने लिखा, अरे भिखारियों, इतना पुराना तो तुम्हारा धर्म भी नहीं है, और ये भारत का इतिहास है। तुम लोगों का 1947 के पहले का कोई इतिहास भी नहीं है। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान नहीं हूँ कि तुम लोग अपने बच्चों को स्कूल्स में क्या पढ़ाते होगे। अब ये रही अंतिम प्रक्रिया। इस यूज़र ने लिखा, मेरे दादा 89 साल के हैं और वो पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा बड़े हैं, इसलिए पाकिस्तान को 2700 साल पहले वहाँ तक्षशिला की बात अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए। ऐसे और भी कई रिएक्शंस देखने को मिले, जिसमें एंशियंट पाकिस्तान के दावे का भरपूर माखौल बनाया गया। देखते हैं ट्विटर पर कब तक ये मुद्दा सुर्खियां बटोरता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।